नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित पारिक। तो भैया सबसे पहले तो आप सभी दोस्तों का, आप सभी प्यारे दोस्तों का जी मैं आज स्वागत करता हूं सिंकोरी एजुकेशन के आप ही के अपने प्लेटफॉर्म पर जी, अपने फिजिक्स एक्सप्रेस में। तो भैया जल्दी से इस वीडियो के साथ में जुड़ जाइए। और हाँ दोस्त, अगर वीडियो से जुड़ चुके हो तो यार वीडियो के लिंक को कमेंट जो है वीडियो के लिंक को अपने व्हाट्सएप वगैरह पर सोशल प्लेटफॉर्म पर जरूर से शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो के ऊपर भी कमेंट करना ना भूलिए। रूपेश महातो जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून रुपेश जी, प्रणाम सर जी। हाँ दोस्त, हमेशा मस्त रहो, एंजॉय करो, यू आर माय फेवरेट टीचर। अरे वाह क्या बात है रुपेश जी, आपने तो दिल को ही छू लिया। इसी जो है जिंदा दिली के साथ में, इस वीडियो के साथ, इस चैनल के साथ में हमेशा जुड़े रहेंगे। तो भैया आप लोगों को पढ़ाई में बड़ा मजा आएगा। और जी फिजिक्स मैथ भैया यहां पे पढ़ाए जाने में सारे के सारे सब्जेक्ट जो है बिल्कुल आसान बन जाएंगे, जिंदगी में मजा ही मजा आ जाएगा। तो दोस्त जल्दी से अपने जैसे और भी लोगों के साथ में इस वीडियो के साथ में जुड़िए। और वैसा हम तभी कर पाएंगे जब इस वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा हम लोग शेयर करेंगे। तो दोस्तों जो है, अगर आप लोग इस वीडियो के साथ में जुड़ चुके हैं तो भैया लाइक का बटन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों यहां पर पढ़ाई जा रही है क्लास 11 की फिजिक्स। और दोस्तों फिजिक्स में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा यूनिट एंड मेजरमेंट, आप लोगों के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1। और हां दोस्तों, इस वीडियो में जो है अपने पास, इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग यही समझते हैं कि सर कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मेजरमेंट कैसे लेते हैं, यानी कि गणना एवं मापन की विधियों के बारे में पूरा का पूरा चैप्टर जो है अपना डेडिकेटेड है। तो प्रियांशु बुनकर जी, गुड आफ्टरनून सर। सर कल का क्वेश्चन दोस्त अभी देख जाओ, सबसे पहले मैं उसी क्वेश्चन के साथ आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूंगा। तो जी मैं अपने मोबाइल सेक्शन में भी आप लोगों के कमेंट्स का भैया वेट कर रहा हूं। सबसे पहले जो है बाकी लोगों को भी जोड़िए ताकि क्लास में पढ़ाने में आनंद आए, मजा आए। और जी ये मैं क्या देख रहा हूं भैया, एक दोस्त ने शुरू करते ही, मतलब पढ़ाने जो है पढ़ाने से पहले भैया डिसलाइक का बटन ठोक दिया है भैया। तो दोस्त पहले से मेंटेलिटी मत बनाओ, और भैया किसी के लिए अपने दिल में बुरी बात मत पालो, सभी के लिए अच्छा सोचो, तभी भैया तुम भी जिंदगी में आगे बढ़ सकोगे। भाई पढ़ाने के बाद में डिसलाइक ठोके तो भैया समझ में आता है, अब भैया बिना पढ़ाए ही डिसलाइक, तो भैया इतनी नफरत के साथ में जिंदगी नहीं जो है नहीं जी सकते हैं। जिंदगी को जो है अपन प्यार के साथ ही, प्यार के सहारे ही जी सकते हैं। तो भैया इसी प्यार के साथ, इसी दुलार के साथ अब अपन लोग शुरू करते हैं कल का क्वेश्चन। तो सर आखिर क्या पढ़ाया जा रहा था? सर ये पढ़ाया जा रहा था एरर प्रोपोगेशन। और सर जी आपने यहां पर एक चीज समझाई थी कि सर मान लो क्लास में एक बच्चा बहुत ही बदमाश है, ठीक है, और सर अगर हम उस बदमाश बच्चे को किसी दूसरे बदमाश बच्चे के साथ में बैठा देंगे तो सर वो सुधरेंगे नहीं, सर जी वो सुधरेंगे नहीं, बल्कि उनकी बदमाशियां और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसी तरीके से अगर आप लोग कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी, कोई ना कोई भौतिक राशि किसी प्रयोग के सहारे आप ऑब्टेन कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं, और जी दूसरी भौतिक राशि किसी दूसरे प्रयोग के सहारे आप लोग हासिल कर रहे हैं, अगर दोनों के बीच में किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन है, मतलब दोनों का एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, डिविजन कर रहे हैं, तो भैया दोनों की जो त्रुटियां हैं वो सम्मिलित होगी, दोनों की जो एरर्स है वो भैया सम्मिलित होगी। और हाँ एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिंदगी में जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करके, कोई मेजरमेंट करके अगर आप लोग कोई वीडियो को हासिल जो है, आप लोग कोई वैल्यू को अगर आप लोग हासिल करेंगे तो गारंटी से त्रुटि या तो होंगी ही होंगी, एरर्स तो आएंगी ही आएंगी। और जी इसी को लेकर के मैंने खूबसूरत सी बात भी यहां पर समझाई थी कि एरर्स आर अनअवॉइडेबल, यानी कि एरर्स को आप अवॉइड नहीं कर सकते। हां अगर आप परफेक्ट पर्सन है, अगर आप कैलकुलेशन में बढ़िया है, अगर आपके इंस्ट्रूमेंट सब वगैरह सब कुछ सही है, तो हाँ दोस्त एरर का परसेंटेज कम कर सकते हैं, पूरी तरीके से जीरो नहीं कर सकते हैं। मुझे शशांक मिश्रा जी आग लगा रहे हैं। शशांक जी सर कल का क्वेश्चन जरूर से करवाएंगे भैया। शशांक मिश्रा जी सर मल्टीप्लिकेशन तक हो गया था, क्वेश्चन करना था। ओ हो भैया प्रियांशु जी का तो जवाब तक आ गया भैया, प्रियांशु जी का जवाब आया है 200 ± 9 वोल्ट। क्या बात है प्रियांशु जी, यार तुम्हारी डेडिकेशन देख करके तो, तुम्हारे इस डेडिकेशन ने भैया मेरे दिल को एकदम गार्डन गार्डन कर दिया भैया, मजे ही आ गए। तो चलो कल का क्वेश्चन शुरू करें। सिंकोरी फैंस क्लब जी, हेलो सर जी, हेलो, साथ में आप आग भी लगा रहे हैं, क्या बात है दोस्त, क्या बात है। तो आओ राजा आज की क्लास को शुरू करें, करो सर, लेकिन मुझे कल का क्वेश्चन बताओगे? अरे हाँ दोस्त, देखो दोस्तों मुझे अभी एक चीज यहां पर याद आ गई है।
अपनी जो कल वाली जो क्लास थी वहां पे जो लास्ट में एक भैया वहां पर एक क्वेश्चन पुटअप कर रहे थे कि सर अगर मान लो कि सर ये तो आप है ना मैक्सिमम एरर निकलवा रहे हो, ये तो आप अधिकतम त्रुटि निकलवा रहे हो, अगर सर मान लो कि सर मुझे मैक्सिमम नहीं निकाल के मुझे मिनिमम निकालनी पड़ जाए तो दोस्त एक बात तुम खुद सोचो कि भैया मिनिमम जो एरर तो क्या होगी, जीरो। अब तुम खुद सोचो क्या कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है जिसमें जो एरर यानी कि त्रुटि जीरो आए? नहीं सर। तो भैया ये संभव ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि भैया मिनिमम एरर तो क्या होगी, जीरो, और किसी एक्सपेरिमेंट में एरर नहीं आए, ये तो संभव ही नहीं है। और भैया दूसरी बात यार देखो, तुम एक छोटी सी बात समझो, मान लो कल को जो है तुमको इसरो वालों ने बुला लिया, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन, राइट। कल को मान लो कि तुम्हें इसरो ने बुला लिया, तुमको बोला यार देखो तुम लोग एक काम करो, अपने को ना मंगल पर इंसान को भेजना है, क्या मंगल पर दंगल करवाना है, मंगल पर यानी कि मार्स पर इंसान को भेजना है, तो एक स्पेस शटल बनाओ। तो बेटा जब तुम स्पेस शटल बनाओगे, जब तुम वहां पर कोई सा एक स्पेस शटल बनाओगे, तो दोस्त मान लो कि वहां पर दो चीजें हैं, एक तो भैया कौन सी की भैया फ्यूल की डिमांड है। देखो सुनना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, तभी तुम्हें समझ में आएगा कि क्यों हमेशा मैक्सिमम एरर ही निकाली जाती है, मिनिमम निकालना सेंसलेस है, बर्बादी है, ऐसा हम नहीं कर सकते, हमेशा मैक्सिमम एरर ही निकालेंगे। अलीशा बानो जी, यस सर। विनय दोरिया जी आग लगा रहे हैं, थम्स अप कर रहे हैं, थैंक यू सो मच दोस्तों। तो जी शशांक मिश्रा जी, मैं भी किया हूं, बस मैच करना है। अरे वाह शशांक जी, तुमने भी किया है, फिर तो मजे ही आ जाएंगे। अब देखो सुनो कि आखिर क्यों मैक्सिमम एरर ही निकालते मिनिमम नहीं निकालते। मान लो तुम्हें इसरो ने बुला लिया, तुमको बोला कि भैया एक स्पेस शटल बनाओ जिससे इंसानों को मंगल पर भेजे, दंगल करवाएं। तो बेटा जैसे मान लो कि वहां पर दो चीजें हैं, एक तो भैया फ्यूल डिमांड का कैलकुलेशन है कि भैया कितने फ्यूल की जरूरत है, सही है कि नहीं, और भैया दूसरा जैसे कि ये मान लो कि तुमको बोल दिया कि भैया लोकेशन का कि भैया सटीक जगह पर ही भैया इसको जो है वहां पर इसको लैंड करवाना है, तो भैया लोकेशन का कैलकुलेशन। अब भैया जब तुमने इसको कैलकुलेट किया तो बेटा यहां पर भी एरर आएगी और बेटा यहां पर भी क्या आएगी, एरर। तो अपन लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम पॉसिबल एरर के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में, मैक्सिमम, क्योंकि अगर मिनिमम के बारे में बात करोगे यानी तुम जो गलतियों को न्योता दे रहे हो, तुमने जो है सबसे बेस्ट सिचुएशन ही सोच करके वहां पे इस शटल को क्या किया, लॉन्च। जबकि जब भी अपन लोग कोई सा स्पेस शटल वगैरह लॉन्च करते हैं तो भैया मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, मैक्सिमम गलती के बारे में सोचते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाते हैं ताकि लॉन्चिंग जो है सक्सेसफुल हो। अगर तुम मिनिमम के लिए बना लोगे तो भैया जरा से भी ऊंच नीच हुई और तुम्हारा मिशन फ्लॉप। तो भैया बात समझो, कभी भी मिनिमम नहीं निकालते, हमेशा क्या निकालते हैं, मैक्सिमम, ताकि भैया ज्यादा से ज्यादा आखिर क्या गलती हो सकती है ये हम आखिर सोच पाए इनिशियल लेवल पे। बात समझ में आई, मैक्सिमम निकालेंगे मिनिमम नहीं, सही है, ओके। अब चलिए सर जी आगे, शशांक मिश्रा जी आग लगा रहे, लेकिन पहले कल का क्वेश्चन तो बता दो। तो देखो मुझे जो है डेटा याद रहता है, क्योंकि क्वेश्चन तो मैंने खुद नहीं दिया था ना, मैं खुद ही तो यहां पे क्वेश्चन बना रहा हूं, सही है कि नहीं। तो जैसे भैया मैंने बोला कि दोस्त V बराबर क्या होता है, सर जी IR होता है। अरे वाह, तो बेटा तुमको जैसे मैंने दिया कि देखो बेटा I बराबर, देखो अगर कहीं डेटा लिखने में गलती कर दो तो यार कमेंट करके बता देना, सही है कि नहीं। तो बेटा I था तुम्हारे पास 10 प्लस माइनस 0.5 एंपियर, सही है कि नहीं। और इसे मान लो कि रेजिस्टेंस तुम्हारे पास मेरा भैया कितना था, ये था, जैसे कि कितना था कि भैया 10 प्लस माइनस 0.1 ओम, क्या ओम। अब तुम्हें क्या निकालना, सर मुझे वी की वैल्यू निकालनी। दोस्त आखिर वी में क्या आता है, सिमरन खंडेलवाल जी, हेलो सर, हेलो सिमरन जी, कैसे हैं जी आप। तो जो नए दोस्त हमारे इस वीडियो के साथ में जुड़ रहे हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं, और जो दोस्त पुराने जुड़े हुए हैं उनसे भैया मैं एक ही फेवर की उम्मीद करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। ऐसा तभी होगा जब इसके लिंक को आप लोग अपने सोशल जो प्लेटफॉर्म्स है उनके ऊपर शेयर करोगे, ठीक दोस्त। अच्छा तो सर क्या निकालना, वी यानी वोल्टेज यानी विभवांतर। सर वी में सर क्या आएगी बेटा, एक तो रियल वैल्यू आएगी और दूसरी क्या आएगी, उसके अंदर त्रुटि यानी कि वहां पर निरपेक्ष त्रुटि कितनी है, सही है। अब सर कल आपने पढ़ाया था क्या, K
कि सर जब दोस्तों हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब दोस्तों हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, सर मेरी क्लासेस 1 सितंबर से ओपन हो जाएगी, आप अपना सेशन इवनिंग में कर लीजिएगा। देखो दोस्तों, इस बात के लिए जो सिंकोरी की पूरी टीम है वो एडवांस में प्रिपरेशन जो है कर रही है कि जब कल को बच्चे स्कूल जाने लग जाएंगे तब आखिर उनको किस तरीके से पढ़ाया जाए, इसका जो रोड मैप है, इसका जो फ्यूचर जो रोड मैप है पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा है, उस पर टीम भैया वर्क कर रही है। सही है, रश्मि चौधरी जी गुड आफ्टरनून सर, क्या बात है। रेशमा खान जी सुपर्ब सर, थैंक यू सो मच रेशमा जी, थैंक यू सो मच रश्मि चौधरी जी इस वीडियो के साथ जुड़ने के लिए। अब सर क्वेश्चन बता दो। हाँ तो सर आपने ना मुझे पढ़ाया था, बेटा मैंने क्या पढ़ाया था कि सर आपने बताया था कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रिलेटिव एरर यानी कि हमारे पास जो भिन्नात्मक जो त्रुटि होती है उनका संयोजन करते हैं। अच्छा तो बेटा यहां पे क्या लिखो, बेटा यहां लिखो डेल्टा वी अपॉन वी एम बराबर प्लस माइनस सर डेल्टा आई अपॉन आई एम और प्लस डेल्टा बेटा यहां पे क्या आएगा आर अपॉन आर एम आएगा। और दोस्त ये सब सिर्फ मैंने इसको लिखवाया ही नहीं था, डेरिवेशन करवाया था, याद है। अच्छा तो सर यहां से, अच्छा तो सर मुझे वी एम चाहिए और मुझे डेल्टा वी चाहिए। चाहिए बेटे वी बराबर आई आर है तो वी का वास्तविक मान कब आएगा? सर जब वी बराबर आई आर है तो वी की रियल वैल्यू कब आएगी? जब मैं आई की रियल वैल्यू को आर की रियल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बेटा यहां पर कितना आएगा? देखो की रियल वैल्यू 10, सर आर की भी 10, 10 × 10, अरे सर ये तो सर जी ये तो 100 होता है। ये सर मुझे वी की रियल वैल्यू पता लग गई। कॉमेडी विद सीजे क्या बात है, बहुत खुश हैं जी। शशांक मिश्रा जी सर तो सही है। प्रियांशु बुनकर जी 100 प्लस माइनस 6 वोल्ट। ओके दोस्त अभी चेक करते हैं, अब भी करते हैं भैया। तो बेटा ये रहा वोल्टेज, तो बेटा इसकी रियल वैल्यू आ गई। सर इसको यहां चिपका दो, बेटा चिपका रहे हैं तो बेटा देखो यहां पर क्या होगा सर डेल्टा वी। अरे सर यही तो पता करना है, अगर सर यही पता लग जाए तो सर वी की वैल्यू आ जाएगी। ओके ओके थोड़ा को नीचे क्या है Vm, सर को Vm की वैल्यू 100। अब लगा प्लस माइनस सर डेल्टा आई यानी कि आई के मान में एरर यानी त्रुटि है बेटा 0.5, तो लिख दो 0.5। सर तमीज से लिखो सर वरना हमको दिखेगा नहीं, सर हम लोग इंडिया के कोने कोने से इतने दूर से सर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अक्षय कुमार के स्टाइल में पढ़ा रहे हैं सर। अरे वाह यार थैंक यू सो मच, अगर आप लोगों को पढ़ाने का अंदाज पसंद आता है तो ठीक है। थोड़ा 0.5 और देखो IM कितना है दोस्त यहां पर है 10 और बेटा डेल्टा आर क्या है सर वो है 0.5 और बेटा RM क्या है सर वो है 10 बस ठीक है। ओके अब उसको सॉल्व करें बेटा, इसमें कोई यहां पे कुंफू नहीं चल रहा, हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं। बेटा डेल्टा वी अपॉन 100, अब देखो सर थोड़े समझदार बनो कैसे, बेटा दोनों का डिनोमिनेटर यानी कि भिन्न क्या है समान। कॉमेडी विद सीजे सैल्यूट यू, अरे वाह यार दोस्त थैंक यू सो मच यार आपके इस एप्रिसिएशन के लिए। विकास कुमार ठाकुर जी गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून विकास आपका हमारी इस फिजिक्स एक्सप्रेस पर, आप ही की अपनी फिजिक्स एक्सप्रेस पर दोस्त स्वागत है सिंकोरी एजुकेशन के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। तो देखो बेटा अब यहां डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर को जोड़ दो यानी 0.6 और सर नीचे क्या आएगा 10। बेटा इतनी मैथ तो हमें आनी चाहिए जिंदगी में आगे बढ़ना है तो ठीक है। अब सर 0 से 0 अंकल गए, 0 बाबा की जय। और देखो बेटा डेल्टा वी की वैल्यू कितनी हो गई, सर डेल्टा वी की वैल्यू हो गई देखो 10 जाएगा सामने यानी बेटा कितना आएगा प्लस माइनस 6। ये लो हटा साउंड की घटा। सर जी कैसे? क्योंकि सर आपको वोल्टेज चाहिए था यानी कि इसकी रियल वैल्यू प्लस माइनस यहां पर एब्सोल्यूट जो है एरर यानी कि निरपेक्ष त्रुटि। सर रियल वैल्यू पहले निकाल दी और सर देखो निरपेक्ष त्रुटि यानी कि एब्सोल्यूट एरर भी आ गई। इन्हीं शब्दों के साथ हमारा वी की वैल्यू बेटा क्या आएगी? वो आएगी क्या 100 प्लस माइनस 6 वोल्ट। तो मुझे लगता है कि जो प्रियांशु बुनकर जी, क्या बात है प्रियांशु जी, तुम्हारा आंसर दोस्त 100% कितने परसेंट 100% क्या आ गया सही, शाबाश। इसी तरीके से पढ़ते रहोगे, आनंद करोगे, मजे करोगे। तो बेटा ये था कल का क्वेश्चन, होमवर्क का क्वेश्चन। देखो अपने पढ़ाने का सिंपल फंडा है, पहले कॉन्सेप्ट थ्योरी डेरिवेशन समझा दो, उसके बाद बच्चे को प्रसाद दो, प्रसाद में क्या दो न्यूमेरिकल्स दो। और हाँ प्रसाद केवल यही खाने के लिए मत दो, उसको घर के लिए भी खाने का पैकेट दो, मतलब घर के लिए होमवर्क का क्वेश्चन दो। तो दोस्त ये था कल के होमवर्क का क्वेश्चन, हो गया। अब चलू आगे, तो 3 2 1 वाह मेरा आंसर सही है, बल्ले बल्ले क्या बात है जी, मजा आ गए भैया। जिन भी दोस्तों का आंसर सही आया, समझ में आ गया। अच्छा तो दोस्त अब तुम समझ रहे हो कि हम लोग आखिर किस तरीके से प्रपोगेट करते हैं, त्रुटियां आगे संयोजित होती है। ठीक है चलूं आगे। अच्छा सर चलो सर
फिर तो मजा आएगा। तो दोस्त अब तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एरर प्रोपोगेशन यानी त्रुटियों का संयोजन। मैंने आप लोगों को तीन जगह पढ़ा दिया, नंबर वन एडिशन में कैसे करते हैं, नंबर दो सब्ट्रैक्शन में कैसे करते हैं, नंबर तीन मल्टीप्लाई में कैसे करते हैं। अब दोस्त नंबर चार जो कि सबसे आखिरी है, भाई देखो आखिरी नहीं इसके आगे भी हैं, लेकिन रुको जो बेसिक बात है ना वो केवल चार में ही है, क्योंकि जो पांचवा या आगे जो भी टाइप आएगा वहां पे इन्हीं चारों की बात को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है दोस्त। सर एक और क्वेश्चन। बेटा बिल्कुल, अभी टॉपिक तो पढ़े और राजा, देखो हमसे पहले टॉपिक पढ़ो फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन दूंगा, पक्का कसम से भैया क्वेश्चन दूंगा। ठीक है आ जाओ सर, आ जाओ। अब सर क्या पढ़ाओगे? अरे दोस्त मैं पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ा रहे हो सर? मैं पढ़ा रहा हूं नंबर चार की इन डिवीजन, कि कल को भाग देना पड़ जाए, कल को भाग मिल्खा भाग हो जाए तो हम डिवीजन में आखिर किस तरीके से एरर को प्रोपोगेट करेंगे। जी आर चौधरी जी हम लोग के साथ जुड़ चुके हैं, सुपर सर, और जिस साथ में आग लगा रहे हैं जी। मैं तो कहूंगा कि चाहे कोई भी बच्चा हो अगर उसे 11th पढ़नी है ना, वो इस वीडियो के साथ में जुड़ जाए और अपनी फिजिक्स को लेकर के या दूसरे किसी भी सब्जेक्ट को लेकर उसकी जो भी समस्या है उसे सिंकोरी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर छोड़ दे, फिर देखिए पढ़ने पढ़ाने में क्या मजा आएगा। ठीक है तो बेटा इन डिवीजन, अब देखो बेटा सी बराबर क्या लिखा, मान लो ए अपॉन बी लिखा। अब बेटा जल्दी क्योंकि टाइम हो रहा है, सही है? तो सर सी को, अच्छा सर देखो ए को क्या लिख सकते हैं, सर उसका वास्तविक मान प्लस माइनस उसमें त्रुटि, ऐसे बेटा बी को लिखेंगे। अरे वाह सर, है ना, हो गया काम। अब सर फिर सी को क्या लिखोगे, इसकी रियल वैल्यू प्लस माइनस दोस्त यहां पर एरर, सही है? निवेदन बेलवर, हाय सर आई एम लेट। कोई बात नहीं निवेदन जी, देर आए दुरुस्त आए, इससे पहले तक मैंने कल वाले क्वेश्चन का जो कल वाली क्लास का जो होमवर्क था वो समझाया था, वो क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया था, अब मैं नया टॉपिक पढ़ा रहा हूं। ओके दोस्त, ठीक है भैया जागना जरूरी है। वाह सर आपने फिर से राजा बोला, अरे वाह 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 क्या बात है, फिर तो हम यही बोल देंगे आओ राजा। तो बेटा पढ़ते हैं, तो देखो अब क्या करें सर, यहां सीएम को कॉमन ले लो, तो बेटा यहां पर क्या बच जाएगा सर, एक सबका मालिक एक, और सर यहां पे डेल्टा सी अपॉन सी एम बच गया। अब सर जी यहां पे क्या रायता फैलाऊं, बेटा ऊपर से ए एम कॉमन ले ले, तो बेटा ऊपर क्या बचेगा, वन प्लस माइनस वन डेल्टा ए अपॉन ए एम, सही है? और देखो ना नीचे क्या लेंगे सर, कोई नीचे बी एम कॉमन लेंगे, तो सर जी वन प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी एम। सर ये डेरिवेशन याद रखना जरूरी है क्या? नहीं बेटा जरूरी तो नहीं है, क्योंकि इसका रिजल्ट काम में आता है, लेकिन वो समझ में आ जाए इसलिए डेरिवेशन समझा रहा हूं, सही है? अब देखो दोस्त सी बराबर ए अपॉन बी होता है, तो बेटा सी की रियल वैल्यू क्या होगी, ए की रियल वैल्यू अपॉन बी की रियल वैल्यू, सही है? तो बेटा अब क्या करें, अरे सर इस अंकल से ये पूरा कैंसिल कैंसिल कैंसिल, वो पोपटलाल वाला कैंसिल। अच्छा सर ओके, अब देखो सर आगे क्या बच रहा दोस्त, यहां बच रहा वन प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन सी एम। देखो बेटा यहां पे डेरिवेशन इसलिए करवा रहा हूं ताकि जो इंपॉर्टेंट जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स है ना वो तुम्हारे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, क्योंकि आगे नेक्स्ट जो स्टेजेस है वहां पे यार वही काम में आएगा। ठीक है सर फटाफट सर जल्दी सर, हम लेट हो रहे हैं। तो देखो बेटा अब ये है, हाँ सर ये है, तो बेटा वन प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए एम। अब देखो बच्चों हमारी एक बात सुनो, सर जी क्या सुनो बेटा, ये चीज जब देखो नीचे से ऊपर जाएगी तो यहां इसकी होल पावर वन है, ऊपर जाएगा तो पावर माइनस वन हो जाएगी सर, तो बच्चे वाली बात बता देते हो सर कभी कभी तो आप, है ना? तो बेटा ये कहां चली गई, ऊपर, तो ऊपर गई तो वन प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी एम, और बेटा होल पावर बेटा किसके माइनस वन। सर आप बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हो, ऐसे ही पढ़ाते रहे, बिल्कुल भैया पढ़ाएंगे। तो सुनो बेटा अब मेरी बात, अब आएगा काम की बात। बेटा मैं कहूंगा कॉपी के टॉप साइड पर अच्छे से स्टार करके लिख लो, बाकी जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं वहां तो पहले से ही लिखा हुआ है, सही है सर जी? क्या बेटा अब एक अलग से बात है, कौन सी बात है अलग से, उसको हम लोग बोलते हैं बायनोमियल, क्या बोलते हैं बायनोमियल थ्योरम। अच्छा तो बाइनोमियल करके एक अंकल जी थे, उन्होंने ये थ्योरम दे दी और हमने उसको समझ ली। ये क्या बोल के गए, ये अंकल ऐसे बोल के गए कि कल को तुम्हारे पास लिखा हुआ हो कि 1 प्लस एक्स की होल पावर एन, 1 प्लस एक्स की होल पावर एन, बेटा प्रूफ भी करवा दूंगा, मेरे एक सेकंड का काम है, सही है? 1 प्लस एक्स की होल पावर एन, तो अंकल ये बोले कि इफ एक्स इज वेरी स्मॉल, क्या है एक्स बहुत
छोटा है रे। अगर x बहुत छोटा है तो बेटा 1 प्लस x पावर n को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस और ये n को कहां लिया हो आगे, यानी nx। सर मैं समझा ही नहीं, सर प्लीज मुझे सर इसका मतलब समझा दो। तो बेटा अब समझो इसका इसका क्या रियल मीनिंग कैसे, कि बेटा मान लो, क्या मानूं सर मैं, बात बात पे आप मनवाते रहते हो, हैं कभी सर मेरी बात तो मानते ही नहीं हो, बेटा वो भी मानूंगा। कल को मान लो 1 प्लस x का होल स्क्वायर लिखा है, सही है सर, ये तो मुझे आता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस स्लाइस ऑफ ab, क्या बात है, बच्चा बड़ा पढ़ाई करता है। तो बेटा ये a स्क्वायर, देखो यहां नीचे लिख दूं, यहां पे लिख दिया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab। अब सुनो, अगर मान लो x बहुत छोटा है तो x पहले से ही छोटा है, तुम उसका स्क्वायर कर रहे हो तो बेटा वैल्यू और भी ज्यादा छोटी आएगी ना, यानी इसको क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट। तो बेटा क्या बच जाएगा, 1 प्लस 2x। तो बेटा यही तो बाइनोमियल थ्योरम है कि अगर x बहुत छोटा हो तो ये पावर आगे चिपका दो। कल को मान लो 1 प्लस x का होल क्यूब हो और बोले कि अंकल x बहुत छोटा है, तो बेटा यहां इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 3x। बस इसी चीज को क्या बोलते हैं, बाइनोमियल थ्योरम। क्या बोलते हैं, बाइनोमियल थ्योरम। सर मैं अपना खुद नोट्स बनाता हूं, क्या बात है यार, इससे जो बढ़ के तो कोई बात हो ही नहीं सकती है, शाबाश, बनाते रहो पढ़ते रहो। तो सर ये बाइनोमियल थ्योरम का कांसेप्ट समझ में आया। सर कल को मान लो लिखा हो 1 प्लस x की पावर 4 और अंकल बोल दे कि x बहुत छोटा है तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 प्लस 4x लिखेंगे। कल को सर मान लो यहां माइनस 5 होता तो बेटा पावर आगे चिपका दो तो बेटा कितना आएगा, 1 माइनस 5x। समझ में आया, समझ गया सर, ओके। तो बाइनोमियल वाले कांसेप्ट क्लियर हो गए। अब इसको मिटा दूं 3 2 1, क्योंकि ये चीज आप लोग वीडियो को जब दोबारा देखेंगे तो ये जानने को मिल जाएगी, ठीक है। तो बेटा इसको हटा दिया। अच्छा तो बच्चे अब मेरी बात सुनो। क्या सर, बेटा ये बाइनोमियल वाली चीज थी, क्योंकि ये बहुत छोटा है, ये पावर आगे आएगी, यानी कि 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन am, और बेटा ये क्या बन जाएगा, 1 ये पावर आगे, यानी माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन bm। अब देखो यहां पर क्या है, 1 प्लस डेल्टा c अपॉन cm। अब देखो फटाफट बस लास्ट स्टेज, और टीना सिंह जी हेलो सर, शशांक मिश्रा जी आगे चले, जी हाँ दोस्त अब हम आगे ही चल रहे हैं। तो देखो 1 प्लस माइनस डेल्टा c अपॉन cm है, अब बेटा इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पता है क्या आएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन am माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी एम, और फिर पता है क्या आएगा, माइनस प्लस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए एम और बी एम। और दोस्त अगर तुमने कल की क्लास को ढंग से पढ़ा है, निवेदन जी हाय सर, हाय दोस्त, टीना सिंह जी लिख रही है एक नंबर, क्या बात है जी, शशांक मिश्रा जी आग लगा रहे हैं, हाय हाय सर, अरे वाह हाय सर वाह। तो बेटा कल की डेट में तुमने पढ़ा था, सर उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वैल्यू बहुत छोटी है, छोटी वैल्यू से छोटी वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू और ज्यादा छोटी आती, सर ये क्या हो गया, नेगलेक्ट, इस एक से एक कैंसिल। तो दोस्त क्या बचा, सर हमारे पास में क्या बचा, हमारे पास में बचा कि दोस्त डेल्टा सी अपॉन सी एम को क्या लिख सकते हैं, बस बेटा आ गया जवाब, अब ज्यादा पकने की जरूरत किसी को भी नहीं है। तो बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, सर कल आपने पढ़ाया था कि प्लस माइनस 3 माइनस प्लस 7 को कैसे लिखते हैं, पढ़ाया था ना, बेटा इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए एम और बेटा प्लस डेल्टा बी अपॉन बी एम। सर चमका, बेटा क्या चमका, कि सर मल्टीप्लाई करते हैं तब भी रिलेटिव एरर को जोड़ते हैं, और डिवीजन करते हैं तब भी रिलेटिव एरर को जोड़ते हैं। तो बेटा यही तो कॉन्सेप्ट है। टीना सिंह जी भैया रोडी सैल्यूट करिए जी, क्या बात है, थैंक यू सो मच। तो बेटा अब चलो आगे, फटाफट से रिजल्ट लिख लो क्योंकि देर बहुत हो गई है, हम ज्यादा डिले नहीं कर सकते हैं। तो बेटा यहां लिखना पड़ेगा ना क्या, कि चाहे मल्टीप्लाई हो या डिवीजन हो, है हमेशा क्या करते हैं, हमेशा रिलेटिव एरर को जोड़ते हैं, यानी c बराबर a इनटू b हो, यहां भी डेल्टा c अपॉन cm बराबर प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन am प्लस डेल्टा b अपॉन bm, और चाहे से c बराबर a अपॉन b हो तो राजा यहां भी क्या करेंगे, डेल्टा c अपॉन cm प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन am और प्लस डेल्टा
डेल्टा बी अपॉन बी एम, चाहे एडिशन चाहे मल्टीप्लाई हो या डिवीजन हो। तो बेटा ये था कॉन्सेप्ट। शशांक मिश्रा जी आग लगा रहे, सिमरन खंडेलवाल जी यस सर, रॉबिन सिंगर जी यस सर, क्या बात है दोस्त। नहीं अब आपको बात समझ में आ गई, अब करवाऊंगा क्वेश्चन। बोला था ना फटाफट तैयार हो। सिमरन खंडेलवाल जी आग लगा रहे, रॉबिन सिंगर जी आग लगा रहे, रॉबिन सिंगर जी यस सर, सिमरन खंडेलवाल जी यस सर, शशांक मिश्रा जी आग लगा रहे। तो बेटा अब आओ जल्दी से, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन। तैयार हो तो बेटा मैं भी तैयार हूं, और जी मैं तो पहले से ही तैयार हूं। आओ देखो फटाफट सर थोड़ा जल्दी करते हैं, क्योंकि सर कॉन्सेप्ट समझाने में थोड़ी देरी हो गई, अब उसको बेटा उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। तो देखो क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोला कि भाई आई बराबर क्या वी अपॉन आर। ये चलो ये मत लिखो, सीधी सी बात तुम लिखो कि स्पीड बराबर बेटा किसके, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर बचपन से समझी है यूनिफॉर्म मोशन में होती है। शशांक मिश्रा जी रेडी, क्या बात है रेडी। तो बेटा अब तुमको बोला देखो स्पीड तो है v, छोटा v, डिस्टेंस d और टाइम क्या है t। तो अंकल क्या चाहते हैं, अंकल ये चाहते हैं कि भाई डिस्टेंस है 100, नहीं इसको लिखो तुम 200 प्लस माइनस 1 मीटर। ये क्या है डिस्टेंस यानी दूरी, सही है। और ये टाइम यानी समय, समय आप लोगों को दे दिया 10 प्लस माइनस 0.2 सेकंड। तो मैं क्या करूं, आप लोगों को स्पीड बतानी है, यानी स्पीड की जो रियल वैल्यू प्लस माइनस उसके अंदर की त्रुटि। फटाफट से भैया जवाब दीजिए, ये रहा आपका क्वेश्चन। और अब तसल्ली से आप लोगों के कमेंट पढ़ लिए जाएंगे, क्योंकि जी अब मैं बिल्कुल फ्री हूं और जी मैं एकदम साइड में हो जाता हूं। तो बेटा ये था क्वेश्चन किसके ऊपर बेस, डिवीजन के ऊपर बेस। और हां दोस्तों यार अगर आप लोग इस वीडियो से नए जुड़ रहे हो ना, तो यार वीडियो के ऊपर लाइक का बटन तो यार जरूर से दबाना बनता है। और हां दोस्त यार वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड सर्कल में फैलाओ, तभी तो आप जैसे अच्छे लोग इस जो है चैनल के साथ जुड़ेंगे, इस क्लास के साथ जो जुड़ सकेंगे। ठीक है अब बताओ भैया क्या होगा, फटाफट सर एक सेकंड सर मैं सॉल्व कर रहा हूं सर जी आप मत करवाना। देखो बेटा मैं तो रुका हूं है, आराम से देखो यहां पे खड़ा हूं, ठंडी ठंडी हवा आ रही है बढ़िया एसी की। अब बेटा तुम लोग क्वेश्चन करो, बताओ डिस्टेंस ये है, टाइम ये है, तो जी स्पीड कितनी होगी। क्या बात है शशांक जी का आंसर आ गया सुपर फास्ट यार 20 प्लस माइनस 3, देखते हैं। पर बेटा तुमने यूनिट नहीं बताई, बेटा ये तुमने गलत किया, मीटर पर सेकंड होती है। अरे दोस्त यहां पे मीटर, यहां देखो ये मीटर ये सेकंड डिवाइड करें तो बेटा कितना होगा मीटर पर सेकंड। अब बेटा देखते हैं तुम्हारा आंसर सही है कि गलत है, तैयार हो? हाँ जी सर मैं तैयार हूं। रूपेश महतो जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, 20 प्लस माइनस 1.2 मीटर पर सेकंड। ओहो, दो दोस्त दोनों के अलग अलग जवाब, और देखते हैं बाकी लोगों का क्या क्या आंसर आता है। तो रूपेश जी शशांक जी यार अपने जो साथी हैं, आपके क्लास फेलोज हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपका सर्कल है, उनको भी इस वीडियो के साथ में जोड़ो। ठीक है आओ फटाफट सॉल्व करें। हाँ सर बिल्कुल सॉल्यूशन, सर हमको ये चाहिए। हाँ सर चाहिए, हमको क्या चाहिए दुनिया। अरे नहीं रे हमको क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए। तो देखो सर जो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड की रियल वैल्यू कब आएगी, जब मैं डिस्टेंस की रियल वैल्यू को टाइम की रियल वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा, तभी तो आएगी। जी हां शशांक जी मीटर पर सेकंड, क्या बात है अब आप समझ गए। तो बेटा कितना आएगा सर को 200 अपॉन 10, बेटा कितना होता है 20, इतना मीटर पर सेकंड। लेकिन सर अब डेल्टा भी निकालना है, तो मैंने क्या पढ़ाया, चाहे डिविजन कर रहे हो मल्टीप्लाई, रिलेटिव एरर को जोड़ते हैं, भिन्नात्मक त्रुटियों का संयोजन करते हैं दोस्त। ठीक है सर, तो बेटा लिखो कि सर डेल्टा वी अपॉन वी एन प्लस माइनस, फटाफट सर रुकना मत सर, बिल्कुल नहीं रुकूंगा बेटा, पर वैल्यू तो देख लूं है ना। तो बेटा ये आएगा डेल्टा डी अपॉन डी एन और प्लस डेल्टा टी अपॉन टी एम। सर बहुत जल्दी किया, पता नहीं सही है या गलत, 5 सेकंड में किया। अरे वाह, तो देखो फिर तो अभी चेक कर लेंगे, डेल्टा भी निकालना है, वी एम कितना आ गया 20, यहां लिखा प्लस माइनस, डेल्टा डी की वैल्यू कितनी सर ये है 1, नीचे 200 और प्लस सर यहां कितना 0.2, तो यार 0.2 अपॉन बेटा कितना लिखेंगे 10, तो ये लिख दिया दोस्त 10। तो यार ये थोड़ा स्मार्ट बन जाए, हाँ सर बन जाओ सर, स्मार्ट तो कभी भी बन जाएंगे है ना। मतलब कैसे बनेंगे, इस पॉइंट को हटा करके नीचे 100, हाँ सर सिंपल रहे, बड़ा सिंपल है रे। तो बेटा डेल्टा वी अपॉन 20
प्लस माइनस दो, इसका एलसीएम कितना आएगा 200। अब ये एक, ये इसको दो बार, यानी टू टू जा फोर, यानी बेटा यहां पे फाइव आएगा। समझदार बन रहे जी, और क्या है, इससे ये अंकल कैंसिल और बेटा टू से ये टेन। ओ हो, सभी का गलत हो गया, सभी का गलत हो गया। यू ऑल आर डूइंग ग्रेट जी। हाँ जी, रीना अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ी है, सुपर, थैंक यू सो मच रीना जी, आपका इस फिजिक्स एक्सप्रेस पर सिंकोरी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर जी स्वागत है। तो दोस्तों देखो यहां तक हुआ, देखो मैं भी सही कर रहा हूं कि नहीं, एक बार देखो मैं भी चेक कर लेता हूं ना, कल को भैया पता लगे सर ऑनलाइन क्लास में पोपट हो गया, क्या ऑनलाइन क्लास में पोपट हो गया तो अच्छा नहीं लगेगा। तो देखो बेटा ये कितना आएगा, यानी सर डेल्टा वी की वैल्यू आएगी कितनी, सर ये आएगी प्लस माइनस, सर ये आएगा 0.5। ओ हो सर मिस्टेक हो गई। शशांक जी अरे हां दोस्त, तो बेटा आज की क्लास से ना एक इंपॉर्टेंट लेसन लेना, क्या कि पहले पढ़ो सीखो, बहुत सही चीज, तुम्हें क्वेश्चन आता है और भी अच्छी बात, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करो ना फास्ट तो करना ही करना है, एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है, स्पीड प्लस एक्यूरेसी, सुन लो स्पीड प्लस एक्यूरेसी, यानी कि फटाफट काम करना है और सही काम करना है, इन दोनों को मिला लोगे सिलेक्शन पक्का, पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन पक्का, कोई ड्रॉप करने की किसी को कोई जरूरत नहीं पड़ेगी जी। ड्रॉप क्यों करना, ड्रॉप का मतलब क्या है कि अपना एक साल यूं ही गवा देना, तो हमें ड्रॉप नहीं करना है, हमें 12th के साथ सिलेक्शन चाहिए चाहिए। निवेदन जी 20 प्लस माइनस 0.5, क्या बात है निवेदन जी, आप मेरी बात समझ गए और जी बाकी लोग भी समझ गए, उन्होंने छोटी मोटी गलती कर दी, वो अब सुधार लेंगे, तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। तो बेटा आंसर आ गया, आंसर आ गया 20 प्लस माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड। देखो एक बार चेक कर ले बेटा, यही है ना, ये ना को कहीं गड़बड़ नहीं हो, बस देखो ये था 20, ये हाँ बेच, हाँ जी भैया बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब सुनो, क्या सुने सर, सर आप तो डरा रहे हो, बेटा डरा नहीं रहा, समझा रहा हूं सर, क्या समझा रहे हो सर, प्लीज बताओ ना, कल को मान लो, और जी कल को क्यों, अभी को मान लो ना, हाँ तो अभी को मान लो, मैं अगर तुमसे पूछूं इसी क्वेश्चन में, मतलब डेटा वही है, डेटा वही है, और दोस्त मैंने अभी इसी को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, रॉबिन सिंगर जी जो है बोल रहे हैं यस सर, शशांक जी काफी जो है जोश में बोल रहे हैं नेक्स्ट सर, अब आएंगे सर अगला, बेटा जरूर आएगा, रुको पहले एक इंपॉर्टेंट बात को समझो, वो क्या, कोई यहीं पर अगर पूछ ले, रुपेश जी क्लियर है सर, रुपेश जी थम्स अप, थैंक यू सो मच रुपेश जी, बेटा यहीं पर कोई पूछ ले फाइंड परसेंट एरर इन स्पीड, यानी कि चाल में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें, फटाफट डेटा वही है, मैं डेटा चेंज नहीं करूंगा, डेटा वही है, जल्दी से मुझे जवाब दे, और जब मैं भी यहीं कहीं वेट कर रहा हूं, फटाफट से बताओ कि जो स्पीड की वैल्यू आई है यहां पे, जो परसेंट एरर यानी प्रतिशत त्रुटि कितनी है, जल्दी जवाब चाहिए, क्या चाहिए जल्दी जवाब चाहिए, तो भैया फटाफट से जवाब दो, कैसे होगा। देखिए शशांक जी आप इंतजार कर रहे थे जी नेक्स्ट का, येलो नेक्स्ट, अरे जितने क्वेश्चन बोलोगे ना उससे ज्यादा करवा दूंगा, बस वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहोगे, पढ़ने पढ़ाने में मजा आएगा। तो दोस्तों मैं देख रहा हूं कि जी अभी काफी कम लोग ही इस वीडियो के साथ में कनेक्टेड है, दोस्त यार बाकी लोगों को जोड़ो। अगर आप लोगों को लगता है कि जी हमारा जो चैनल है सिंकोरी एजुकेशन की पूरी पूरी टीम है अगर अच्छा काम कर रही है, तो जी आप लोगों से एक ही फेवर की उम्मीद है कि भैया चैनल के लिंक को आग की तरह फैला दो, पूरे जैसे जंगल में आग लगती है एक ही बार में सब खत्म, वैसे भैया फैला दो तो भैया मजा आ जाएगा। शशांक मिश्रा जी 0.5/20 × 100, दोस्त तुम्हें इसको सॉल्व करके फाइनल आंसर बताना है, क्या बताना है, फाइनल आंसर। रुपेश जी 25% है, और 25% एरर आ जाएगी तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी बेटा, दोबारा चेक करो कि सही में 25% है क्या, सही में 25%, भाई तुम खुद सोचो यार 25% अगर एरर कर दोगे तो बेटा फिर तो बर्बाद है बेटा, है ना, तो बेटा दोबारा एक बार चेक कीजिए, मे भी आप लोग कहीं मिस्टेक कर रहे हो, राइट, अरे सर 2.5%, हाँ ये बात दिल को सुकून देगी, हाँ भाई 2.5% है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 25% में तो दिक्कत हो जाएगी ना भैया।
तो सर कैसे करेंगे? अरे सर फर्जी है, फर्जी कैसे कि सर ये है रियल वैल्यू, ये है डेल्टा वी। तो सर आप ही ने तो पढ़ाया था कि सर परसेंट, निवेदन जी 2.5%, क्या बात दोस्त क्या बात। तो बेटा यहां पे परसेंट एरर कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे सर? सर हम ऐसे निकालेंगे कि डेल्टा वी अपॉन वीएम सर इनटू 100, क्या दोस्तों इनटू 100, सही है सॉरी ओके बेटा। अब देखो बेटा यहां पर क्या होगा, डेल्टा वी की वैल्यू 0.5 अपॉन कितना 20 इंटू 120 से 5 बार 0.5 इंटू 5 यानी 2.5%, कितना 2.5%। अरे सर लड्डू है लड्डू, क्या बात है जी, तुम्हें लड्डू पसंद है? हाँ जी सर, लेकिन सर दूध के लड्डू सर बड़े ही मजेदार होते हैं, मुंह में पानी आ गया। रॉबिन सिंगर ने जी 2.5%, शशांक जी 2.5%, निवेदन जी 2.5%, रूपेश जी 2.5%, क्या बात है जी। जिनका भी जवाब आ रहा, जो भी आ रहा, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और अब बेटा तैयार हो उड़ने के लिए? हाँ सर तैयार है पक्का। और देखो मैं टाइम लिमिट के साथ दूंगा, क्योंकि आप लोग बच्चे ना सिर्फ 11th की प्रिपरेशन कर रहे हो, कॉम्पिटिशन के लिए भी तो पढ़ रहे हो यार। तो चैनल पे पूरे एकदम छा जाओ यार, चैनल के लिंक को फैला दो, सही है कि नहीं? तो आओ अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब कहां चलेंगे? अगले की तरफ। और हाँ जी फटाफट से जवाब देना, सर मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या बात है जी। तुझे प्रियांशु जी 2.5%, जी हाँ प्रियांशु, प्रियांशु जी तुम्हारा भी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन करें, तैयार हो? ओके 3, 2, 1 आ जाओ। देखो तुमको बोला क्या कि टाइम बराबर, सर टाइम टाइम की बात है सर, टाइम टाइम की, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड डी अपॉन वी। अब ये अंकल क्या चाहते हैं बेटा, फटाफट जवाब दोगे देखो तभी मजा आएगा, इस बार डिले नहीं करेंगे, है ना। आ जाओ, तुमको बोला कि देख दोस्त डिस्टेंस है तुम्हारे पास 200 ± 1 मीटर, और जो स्पीड दे दी, जैसे मान लो भाई तुमको कितनी दे दी कि 10 ± 0.2 और बेटा मीटर पर सेकंड। सर मैं क्या करूं, सर मैं क्या करूं? तो बेटा तुमको ये करना है फटाफट से, फाइंड परसेंट एरर इन टाइम, यानी समय के मान में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। राहुल चौधरी जी यस सर, क्या बात है राहुल जी, आपका फिजिक्स एक्सप्रेस में यहां स्वागत है। शशांक जी लिख रहे हैं सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। शशांक जी ने अपनी जो बाजुएं हैं उनको भैया ऊपर कर लेके, सर आने दो सर अगला क्वेश्चन। तो दोस्त ये रहा अगला क्वेश्चन, राहुल चौधरी सुपर, थैंक यू सो मच राहुल जी। अब बताइए इस क्वेश्चन में क्या करें और फटाफट जवाब दोगे? और हां दोस्त मैं मोबाइल में भी बड़ी बेचैनी से आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं। वीडियो पे नए होना तो लाइक का बटन दबा के जरूर से जाना, लाइक का बटन जरूर से दबाइए। अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो दोस्तों अब बताओ इधर क्या क्या होगा, मैं एकदम शांति से यहां पे खड़ा हूं, एकदम आराम से, जस्ट चिल, क्या जस्ट चिल, ठीक है। अब बताओ यहां पर क्या होगा, जल्दी जवाब दो, जल्दी जल्दी जल्दी। शशांक जी 20 ± 0.5 दोस्त ये तो हमने ना ही पूछा। सर आपने क्या पूछा बेटा? परसेंट एरर है, परसेंट सर 5 सेकंड में, क्या बात है दोस्त, तुम्हारे इस जोश की मैं कद्र करता हूं। लेकिन एक और बात, यहां परसेंट एरर इन टाइम निकालना है, क्या निकालना है? परसेंट। प्रियांशु जी फिर से 2.5%, अरे यार फिर तो मजे आ जाएंगे यार, बार बार 2.5% आ रहा है। शशांक जी 5 सेकंड में, शाबाश शशांक जी शाबाश। जो है शशांक जी 2.5%, अभी देखते हैं, अभी देखते हैं जी कैसे करें। और देखो सुनो, मैं देखो सुनो, मैं ट्रिक वगैरह में ज्यादा बिलीव नहीं करता हूं, मैं बिलीव करता हूं कॉन्सेप्ट में। अगर कोई आदमी कॉन्सेप्ट को ढंग से समझ ले तो वही ट्रिक बन गई ना, कॉन्सेप्ट याद रहेंगे। ये जो ट्रिक ट्रैक ये सब नहीं चलने वाले, ये फिजिक्स में चलते नहीं। और जो ऐसे बता रहे हैं वो बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं दोस्त, फिजिक्स में कोई ट्रिक नहीं, फिजिक्स में पूरा ही पढ़ना पड़ता है। देखो बच्चों, तुम इसके अगले चैप्टर को तभी समझ पाओगे जब ये समझोगे, उससे अगले को तब समझ पाओगे जब उससे पिछला समझोगे, और दोस्त ऐसे ही फिजिक्स चलती है, इसलिए पकड़ के रहना, साथ में रहना, सही है। शशांक जी सर बता दिया, रूपेश जी 2.5%, तो आओ क्या करें, आओ चेक करें सर। ओ सर क्या कि सर देखो आपको क्या निकालना है, परसेंट एरर इन टाइम निकालना है ना, हाँ परसेंट एरर इन टाइम, यानी कि आपको क्या चाहिए, दुनिया नहीं, परसेंट एरर इन टाइम। कैसे निकालें? देखो दोस्त बहुत ही सस्ता सा,
बहुत ही सिंपल सा, कैसा कि सर सर आपने फिजिक्स को हलवा कर दिया है, थैंक्स। अरे वाह दोस्त, इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहो, चैनल से जुड़े रहो। तो देखो सुनो, अब मेरी बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तुमको क्या चाहिए? तुमको चाहिए डेल्टा टी अपॉन टी एम और बेटा इंटू 100, बेटा ये चाहिए। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे लेंदी तरीके से चलते हैं कि पहले डेल्टा टी निकालूंगा, फिर टी एम निकालूंगा, फिर इसको 100 से डिवाइड करूंगा, सुबह को शाम करूंगा और टाइम पूरा कर दूंगा। लेकिन बेटा स्मार्ट बनो। सर कैसे स्मार्ट कैसे बनते हैं, मैं बताता हूं, इधर आओ। डेल्टा टी अपॉन टी एम क्या होता है, क्या होता है? अरे सर ये रहा आपका सस्ता वाला फॉर्मूला, यानी कि प्लस माइनस। क्या सर? सर देखो यहां लिखेंगे डेल्टा डी अपॉन डी एम और प्लस डेल्टा वी अपॉन वी एम। अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? हाँ सर यही लिखेंगे। तो फटान फट से पहले यही निकाल लो ना, क्योंकि जो आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे जो आएगा वो ये होगा और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोस्त ये आ जाएगा पूरे टाइम एक ही क्वेश्चन में, हाँ पूरा टाइम एक में निकल जाएगा ना, तो वैसा नहीं करना ना। तो बेटा आप समझो, तो देखो डेल्टा डी अपॉन फटाफट फटाफट, सर ये है 1 और सर ये अपॉन 200, अरे वाह। और देखो प्लस, सर देखो ये है 0.2 और सर अपॉन इतना 10। अब सर मैं स्मार्ट बनूंगा कैसे, कि सर इसको यहां कर दूंगा 100 कर दूंगा। अब सर फटाफट से सर दोस्त यहां पर बेटा वैल्यू कितनी आ गई, सर देखो 2 2 4 और ये 5, यानी 5 अपॉन 200 ये लो। अब बेटा क्या करो क्या करो? अरे सर ये जो आ गया ना सर, ये जो आ गया सर, इसको ऊपर सर यहां पे ट्रांसफर कर दो, यानी सर 5 अपॉन 200 और जी इनटू 100 ये लो। तो बेटा कितना आ गया, 2.5%। एंजॉय मैन एंजॉय, जाओ बेटा मजे करो। हो गया जी क्वेश्चन, हो गया। तो अब हमें डेल्टा टी अलग से नहीं निकालना, हमको टीएम नहीं निकाल, अरे पूछा ही नहीं तो निकाले क्यों, क्या हमको यहां पे खाली बैठे हैं? नहीं ना। तो जितना पूछेगा उतना जवाब देंगे, फटाफट से काम करेंगे। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट से भैया कमेंट सेक्शन में आकर के बता दो जल्दी से। और भैया वीडियो के साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो भैया कम नहीं पढ़ने चाहिए, उनका जोश बरकरार रहना चाहिए, वो इसी तरीके से मीटिंग से जुड़े रहने चाहिए। अब बताइए ये फटाफट समझ में आया, आया कि नहीं आया, बोलिए फटाफट से, जल्दी बोलिए समझ में आ गया। चलूं आगे, तो जी 3, ये 2 और ये 1। अब आओ सर, सर अब तो हम सब कुछ तो पढ़ चुके हैं। नहीं, कभी भी जिंदगी में ये मत सोच लेना कि मुझे सब कुछ आता है। अगर तुम खुद के बारे में ये सोचोगे, वहीं से तुम्हारा डिग्रेडेशन स्टार्ट है, वहीं से भैया पटरी से नीचे उतर जाओगे। मौज कर दी रूपेश जी, शशांक जी, सर थर्ड वेव आते तो स्कूल नहीं जाना पड़ता, आप लोगों से पढ़ के मजा आ जाता है। अरे भाई तुम कोरोना को मत बुलाओ भैया, मैं तुम्हें वैसे ही पढ़ा दूंगा, मैं कहीं नहीं जाने वाला, बस तुम थर्ड वेव फोर्थ वेव को मत बुलाओ, ठीक है? मैं मतलब जो है वैसे ही पढ़ा दूंगा, सही है? तो रुपेश जी मौज कर दी, सर सबका सही है, सब शाबाशी दे, जो है शाबाशी दे दीजिए। अरे वाह सब्बास, क्या जी सब्बास, और ये पीठ मेरी नहीं तुम्हारी है, सब्बास, ठीक है दोस्त? अब सही है, अब आ जाओ देखो आगे चलते हैं कि सर आप पढ़ा रहे हो एरर प्रोपोगेशन, यानी कि त्रुटियां कैसे संयोजित होती है। आपने एडिशन समझा दिया, सब्ट्रैक्शन समझा दिया, आपने मल्टीप्लाई बता दिया और डिवीजन बता दिया, अब और क्या बच गया? बेटा रुको, अभी बहुत आगे चीजें हैं, सही है? अब आएगा भैया नंबर 5। सर जी आपने 4 ही बताए थे। अरे नहीं रे, मैंने कहा था जैसा ऑपरेशन यार वैसे हम कर सकते हैं, पर जो चीजें सिलेबस में उनको तो पढ़ोगे, सही है? ओके सर तो सही है, ओके बेटा ओके। तो आओ देखो अब पढ़ाऊंगा नंबर 5 की एरर प्रोपोगेशन इन, बेटा किस में एरर प्रोपोगेशन इन पावर, क्या बेटा पावर, क्या आखिर पावर के अंदर आखिर हम लोग एरर प्रोपोगेट कैसे करते हैं? तो आओ राजा अब हमारी बात समझना कैसे। देखो सुनो, बहुत सीधी सी बात, कल को मान लो सर, कल को कि सर आज मैं तो आज ही मानूंगा, तो बेटा आज ही मान ले कि सी बराबर मान लो ए क्यूब लिखा है, ये लो ए क्यूब। सर क्यूब क्यों? सर कल को मान लो ए स्क्वायर हो, ए की पावर 4 हो, अरे दोस्त कोई तो पावर होगी, चलो ये लो मैंने मान लिया पावर एन है। टेंशन जिंदगी में लेनी नहीं, टेंशन तो लेनी नहीं।
अब क्या है सर, सी को क्या लिखते हैं, सी की रियल वैल्यू प्लस माइनस सर सी के अंदर की एरर लिखते हैं। हाँ सर। अब बेटा ए को क्या लिखोगे, ए की रियल वैल्यू प्लस माइनस ए के अंदर की एरर, और बेटा पावर कितनी एन। अब बेटा स्मार्ट बनो सर, वो कैसे बनूं मैं बताता हूं। यहां से सी एम को कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा, वन प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन सी एम। हाँ दोस्त बिल्कुल बचेगा सर। वहां से किसको कॉमन ले, तो बेटा यहां से ए एम को कॉमन ले लो, लेकिन सर पावर तो एन है ना। बेटा तुम्हें शायद मैंने कल भी नोटिस किया था, आप लोग शायद कॉमन लेने में कुछ दिक्कत आती है, एक बार थोड़ा सा मैं बता देता हूं, एक सेकंड का टाइम लगेगा। चलो x प्लस y का होल स्क्वायर है। अच्छा सुनो, अगर मान लो x प्लस y है और तुम x कॉमन ले रहे हो, तो बेटा इसको भी x से डिवाइड करोगे और उसको भी, कल बताया था। अच्छा अब आज क्या कह रहा हूं कि बेटा आज मान लो यहां पे पावर है सर, यहां पर क्या करो सर, x कॉमन लो, तो बेटा पावर में होल स्क्वायर भी तो है, तो यहां होल स्क्वायर भी आएगा, 1 प्लस y अपॉन x का ये होल स्क्वायर बनेगा। इतनी बात समझ में आती है, ये तुम्हें कॉमन लेना समझ में आता है सर। इस एक्सप्रेशन से x को बाहर निकालोगे, बाहर स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर आया। सर जी यहां पे क्यूब होता तो बेटे क्यूब आता। सर यहां पावर n होती तो बेटे n आता। समझ में आ गया? तो रुपेश जी यार फटाफट से कमेंट करके बताओ, पावर से याद है आप बोलते थे शक्तिमान में एक कोई पावर क्या, शक्तिमान में एक कोई पावर करता था। हाँ शक्तिमान में जी जरूर से एक, वो था वहां पर एक जो कैरेक्टर था वो यार क्या था, वो था डॉक्टर जैकॉल, वो बार बार पावर पावर करता था, तो उसी का वो मुझे याद आ जाता है। ठीक है ओके, तो ये समझ में आ गया। हाँ सर ठीक है सर, अब सर पकाओ मत सर, फटाफट मुद्दे पे आओ। बड़ा मुद्दा क्या है, मुद्दा ये कि जब मैं यहां से एम को कॉमन लूंगा तो पावर एन भी आएगी बेटा, वन प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन, अरे बोलो सर जी एम और ये पावर एन। अब दोस्त सुनो, क्या जब सी बराबर ए पावर एन है तो सी की रियल वैल्यू क्या होगी, ए की रियल वैल्यू की पावर एन, तो बेटा इस अंकल से वो आंटी वहां क्या हो गई, कैंसिल। क्या हो गई, कैंसिल, सही है। और दोस्तों आप लोग केमिस्ट्री वाले सर भी आ चुके हैं, भैया फटाफट देखो बात को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हम किसी की भी जो नाराजगी है वो मोल नहीं लेंगे, हमारी क्लास को जल्दी से ओवर करेंगे। ठीक है तो देखो अब यार यहां पर सर आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाई थी बाइनोमियल प्रमेय यार पढ़ाई तो है, तो बेटा मैंने क्या पढ़ाया था कि अगर 1 प्लस x की पावर n हो और सर x बहुत छोटा हो तो इसको क्या लिखते हैं, 1 प्लस nx पढ़ाया था। बेटा काम में लगाओ इसको, थोड़ा जल्दी से लगाओ। तो देखो सुनो, ये तो ये है, हाँ सर जी ये तो यही रहेगा, और कैसे बनेगा, तो बेटा 1 प्लस डेल्टा सी अपॉन सी एम बराबर। अब देखो सुनो सर, पावर आगे लिया हो, बाइनोमियल बाबा को याद करो, तो जय हो बाइनोमियल बाबा की, तो ये एन आ गया आगे और ये डेल्टा ए अपॉन है, ये लो सर खलास खत्म। तो बेटा डेल्टा सी अपॉन सी एम कितना आ गया, एन पावर डेल्टा ए अपॉन ए एम, तो हो गया सर, मेरे तो पल्ले नहीं पड़ा। देखो दोस्त यहां क्या करना था कि जब पावर वाली चीज होती है तो बेटा पावर में क्या करनी, रिलेटिव एरर ही है, करनी आपेक्षिक त्रुटि है, लेकिन पावर आगे आ जाएगी, क्या पावर आगे आ जाएगी। सर सो थोड़ा सा और बताओगे, बेटा बिल्कुल बिल्कुल लड्डू है रे लड्डू, कैसे कल को मान लो c बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर, तो बेटा थोड़ा ध्यान समझना, a स्क्वायर चलो b क्यूब कर दो अलग अलग हो जाएगा, सही है। तो बेटा यहां पर क्या करेंगे सर, पहली चीज मल्टीप्लाई है, अरे भाई मल्टीप्लाई तो है ना, मल्टीप्लाई में कौन सी एरर आती है सर, रिलेटिव, पढ़ाई थी और अभी पावर का क्या पढ़ाया कि पावर में वो चीज आगे आ जाएगी। तो बेटा इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा सी अपॉन सी एम बराबर सर पावर आगे लाओ आगे, तो बेटा यहां पे 2 और ये डेल्टा ए अपॉन ए एम, और ये बेटा बी के लिए प्लस लगाएंगे और ये 3 और ये डेल्टा बी अपॉन बी एम। जफर सुपर जी यस सर, तो बेटा ये बात समझ में आई। सर जी एक और सर एग्जांपल दे दो प्लीज सर। अरे बेटा जरूर से देंगे ना एग्जांपल, आओ राजा कैसे, कि कल को मान लो कि जो है डी बराबर है एक्स पावर 1/3 और y पावर 2/3 हो, तो सर अब क्या करूं, तो बेटा यहां क्या करेगा, डेल्टा d अपॉन dm पावर आगे,
हैं और मल्टीप्लाई है तो रिलेटिव एरर जोड़ते हैं, लेकिन पावर आगे यानी 1/3 डेल्टा एक्स अपॉन एक्स एम, और बेटा यहाँ पे पावर आगे 2/3 डेल्टा वाई अपॉन वाई एम। एक बार यार फटाफट से कमेंट करके यहाँ पर जो है बता दीजिए कि आपको ये बात समझ में आगे क्या। निवेदन बेनीवाल जी रोडी सैल्यूट कर रहे हैं, क्या बात है जी। शशांक जी क्या बात है, विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं, टिक लगा रहे हैं, क्या बात है। तो बेटा ये चीज समझ में आई। अब सर आखिर इससे क्वेश्चन क्या, तो बेटा क्वेश्चन होमवर्क के फॉर्म में, बस कुछ सेकंड और 20 सेकंड और लूंगा, सही है। तो बेटा 3, ये 2 और ये 1, लो आ जाओ। देखो सर अब क्या क्वेश्चन है, तो बेटा क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन क्या कि z बराबर कौन से, z बराबर a स्क्वायर और b पावर 3/2 है, सही है सही है। अब तुमसे क्या बोल रहा है कि देखो बच्चा ए तो है, ए तो क्या है, ए तो है 100 ± 1, है ना, और वो कुछ भी यूनिट। अब बेटा यूनिट तो कहां से लिखूं, क्योंकि एक्सप्रेशन तो मैंने रैंडम बनाया है, समझ रहे हो ना मेरी बात। और बेटा बी के लिए बोल दिया भैया कि 50 ± 2, सही है। सर मैं क्या करूं, तुम्हें ये बताना है कि डेल्टा जेड अपॉन जेड एम कितना होगा, यानी कि जेड के मान में आपेक्षिक त्रुटि यानी कि रिलेटिव एरर कितनी होगी। तो बेटा ये थी आज की क्लास, मिलते हैं कल ही के दिन, मतलब नेक्स्ट टाइम पर, सेम टाइम सेम प्लेस पर। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो, बाय बाय।